नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। शुरुआत करेंगे, क्या मुंबई में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड वापसी करने की कोशिश कर रहा है? क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दहशत वापस लौटती दिख रही है? ये सवाल मुंबई में सरेआम बीच बाजार बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उठ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी मुंबई की नामचीन हस्तियों में से एक थे। आम जनता उन्हें शाहरुख और सलमान की दोस्ती कराने की वजह से जानती थी, लेकिन मुंबई में वो पहले एक कद्दावर कांग्रेसी नेता के तौर पर मशहूर थे और अब एनसीपी अजित पवार की पार्टी के नेता थे। जो कुछ भी हुआ है उससे मुंबई दहशत में है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। उज्जैन पहुंची मुंबई क्राइम ब्रांच, सुबह से उज्जैन में डेरा डाल रखा है। उज्जैन पुलिस के साथ सर्चिंग की जा रही है। उज्जैन में संदिग्ध के होने का इनपुट मिला था। क्राइम ब्रांच की 7 सदस्यीय टीम सर्चिंग कर रही है, तो संदिग्ध के होने का यहाँ पर इनपुट मिला, जिसके बाद उज्जैन पहुंची है मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और सुबह से उज्जैन में मौजूद है टीम। उज्जैन पुलिस के साथ पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है। ये बड़ी खबर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। उज्जैन कनेक्शन निकलकर सामने आया था और ये अनुमान था कि एक शूटर, एक आरोपी यहां पर छिपा है, और इस तरह के इनपुट मिलने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन पहुंच चुकी है और संदिग्ध की तलाश में लगातार अलग अलग क्षेत्रों में चेकिंग की जा रही है, सर्चिंग यहां पर की जा रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का खुलासा हुआ है। लॉरेंस गैंग ने ही बाबा सिद्दीकी की मर्डर की सुपारी दी थी। लॉरेंस गैंग ने तीनों शूटर्स को कैसे मिलवाया, शूटर्स ने मर्डर का प्लान कैसे बनाया, अरेस्ट किए गए शूटर्स ने अब तक क्या बताया, जांच एजेंसी को अब तक क्या क्या पता चला, मर्डर की पूरी इनसाइट स्टोरी देखिए इस रिपोर्ट में। इन तीन शूटर्स ने शनिवार रात बाबा सिद्दीकी की हत्या कर पूरे मुंबई को दहला दिया। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और नेता मंत्री को भी डर के साए में जीने को मजबूर कर दिया। महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, तो वहीं मंत्रियों के घर के बाहर गश्त बढ़ा दी गई है। पहले सलमान को धमकी, फिर उनके करीबी दोस्त, 3 बार के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई डर के साए में है। सलमान के करीबी खौफ में है कि कहीं बिश्नोई की गोली पर अगला नंबर उनका तो नहीं। बाबा सिद्दीकी को कुछ दिन पहले ही धमकी मिली थी, तब से ही उन पर खतरा मंडरा रहा था, जिसकी वजह से उनको Y+ सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन लॉरेंस गैंग धमकी के बाद चुप नहीं बैठा, मर्डर की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने तीनों शूटर धर्मराज, गुरमैल और शिव कुमार को मुंबई भेजा। तीनों शूटर्स ने 1 महीने से ज्यादा तक बाबा सिद्दीकी के घर और उनके ऑफिस के साथ ही उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस की भी रेकी की। शूटर्स लगातार बाबा सिद्दीकी पर नजर बनाए हुए थे। उनके आने जाने का टाइम, सिक्योरिटी के इंतजाम के साथ ही घर और ऑफिस में कब कितने लोग साथ रहते हैं, सारी डिटेल शूटर्स के पास थी। और फिर तीनों हमलावर उस दिन का इंतजार करने लगे जब शहर में शोर शराबा हो, भीड़ भाड़ ज्यादा हो। शनिवार को देश भर में दशहरे की धूम थी और इसी शोर शराबे के बीच मर्डर को अंजाम देना आसान हो गया, इसलिए पहले से तमाम जानकारी जुटा चुके शूटर्स को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। शनिवार रात 9:15 पर बांद्रा ईस्ट के निर्मल नगर में कोलगेट ग्राउंड के पास बाबा सिद्दीकी अपने विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकले, तभी शूटर्स ने ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 2 गोलियां उनके पेट में और 1 गोली सीने पर लगी। उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे, उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। हमलावर जो थे वो 3 थे, उसमें से 2 हमलावरों को
तुरंत ही पकड़ने में हमारी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को सफलता मिली। उसके पास से 2 पिस्तौल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। इलाज के दौरान बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई, लेकिन मौकाए वारदात से भागते 2 शूटर्स धर्मराज और गुरमेल को अरेस्ट कर लिया गया, जबकि तीसरा शूटर शिव कुमार अभी भी फरार है। गुरमेल हरियाणा का रहने वाला है, जबकि धर्मराज और शिव कुमार यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं, जिनका पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिलहाल पुलिस तीसरे शूटर शिव की तलाश कर रही है, लेकिन लॉरेंस गैंग की हत्या की जिम्मेदारी के बाद अब वो सेलिब्रिटीज काफी डरे हुए हैं जिनको धमकी मिल चुकी है या जो सलमान खान के करीबी हैं, क्योंकि लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जिम्मेदारी के साथ ही धमकी भी दी है कि सलमान और दाऊद के करीबियों को वो छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।